फ्रेंड्स, तो सभी को नमस्कार, प्रणाम करता हूँ। माय डियर पेरेंट्स, माय डियर चिल्ड्रन एंड माय डियर फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे दो इक्वेशन देने से थर्ड इक्वेशन का वैल्यू कैसे निकालना है। तो वीडियो एंड तक देखना है, मिडिल में सोर के मत जाइए। ये ट्रिक्स यूज करना है एग्जाम में। तो क्या ट्रिक्स है? दो इक्वेशन दिया हुआ है, ए बाई एक्स प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू वन एंड बी बाई वाई एंड जेड बाई सी इज इक्वल टू वन। तो हमको बोला है कि इसका वैल्यू निकालना है, एक्स बाई ए एंड सी बाई जेड का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालना है तो हम क्या करेंगे देखेंगे। हम पहले देखेंगे इसमें कौन सा पार्ट इसका ऐड किया है और उसका कौन सा पार्ट इधर में ऐड किया है। देख लेता हूं कि ए बाई एक्स का प्लेस में एक्स बाई ए दिया हुआ है। एक्स बाई ए जो है उसको हम ऐसे लिख सकता हूं, वन बाई ए बाई ए बाई एक्स लिख सकता हूं। ऐसे लिखने से क्या होता है, ऐसे लिखने से नीचे का डिनोमिनेटर जो रहता है उसका जो फ्रैक्शन में रहेगा, ये फ्रैक्शन में जब रहेगा ऐसे जब डिवाइड में रहेगा तो उसका जो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर रहता है ऐसा होगा, वन डिवाइड है ना, तो वन बाय ए बाय एक्स, तो उसका मल्टीप्लाई देंगे तो वो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर होगा और न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर होगा, तो हमारा वैल्यू आ जाएगा एक्स बाई ए। तो हो गया ना एक्स बाई ए, एक्स बाई ए को हम ऐसे लिखेंगे तो ए बाई एक्स। तो हमें वैल्यू निकालना किसका, ए बाई एक्स का। हमें पहले हमें ए बाई एक्स का वैल्यू क्या है वो निकलेंगे, ए बाई एक्स कहां से निकलेगा, इस पर से हमारा ए बाई एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। ए बाई एक्स का दिया हुआ है तो ए बाई एक्स इधर से लेता रहूंगा, वाई बाई बी इधर में ले जाऊंगा, वन माइनस वाई बाई बी, तो इधर में होगा वाई माइनस बी वाई, सॉरी इधर में हो जाएगा बी माइनस वाई बाई बी। तो एलसीएम बी है, बी होने से इधर में बी होगा और इधर में वाई होगा, इधर में एलसीएम है। तो ए बाई एक्स हमारा क्या हो गया, बी माइनस वाई बाई बी। तो एक्स बाई ए क्या होगा, एक्स बाई ए को हमें लिखेंगे वन बाई ए बाई एक्स। वन बाई ए बाई एक्स का वैल्यू क्या है, वन बाई बी माइनस वाई बाई बी। मतलब मैं बोला था इसको डिनोमिनेटर क्या होगा, ये मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, उसको मल्टीप्लीकेशन रूल में ले लेंगे तो वो b ऊपर में जाएगा और b माइनस वाई मीन्स वन डिवाइडेड बाई b माइनस वाई बाई बी। तो हम मल्टीप्लीकेशन यूज करेंगे तो b ऊपर में जाएगा, b माइनस वाई नीचे में आएगा, तो आंसर हो गया b बाई b माइनस वाई, b बाई b माइनस वाई। ये x बाई ए, एक्स बाई ए का वैल्यू निकल लिया। तो z by c का वैल्यू क्या होगा, z by c इज इक्वल टू वन माइनस बी बाई वाई, तो इधर y माइनस बी बाई वाई। तो हमें इधर में मिला है b माइनस वाई, इधर में मिला है y माइनस बी, तो नो प्रॉब्लम, हमें ऐसे ही रहने दीजिए। तो c बाई z इज इक्वल टू वन बाय z बाय c, तो वन बाय y माइनस बी बाई वाई, तो इसका मतलब y बाई वाई माइनस बी। सी बाई जेड का वैल्यू हो गया y बाई वाई माइनस बी। आप लोगों को समझ में आया, तो पहले मैं निकाल लिया इस पार्ट में z बाई सी, z बाई सी का वैल्यू निकाल लिया हो, उसको मैं ये पार्ट को इधर ले गया तो वन माइनस बी बाई वाई, वन माइनस बी बाई वाई होने से इधर में क्या हो गया y, एलसीएम ले लिया y माइनस बी बाई वाई, तो c बाई जेड का हमें सही है अभी c बाई जेड, c बाई जेड को हम कैसे लिख सकता हूँ, वन बाय जेड बाई सी, ये z बाई सी फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो उसको मल्टीप्लाई देने से क्या होगा, c बाई जेड ऐसे ऐसे ही होगा, ऐसे ये जो ट्रिक्स यूज कर रहा हूँ। तो z बाई सी का वैल्यू क्या है, z बाई सी का वैल्यू ये है, उसको इन प्लेस ऑफ डिवीजन वी कैन यूज मल्टीप्लीकेशन, जो ऐसा रूल यूज करके ये y बाई वाई माइनस बी हो गया। तो ये दोनों हमें अभी ये ऐड करना है, ये पार्ट देखा, ये इसको हमको चाहिए, ये वैल्यू चाहिए हमको,
तो किसका वैल्यू सी बाय जेड, ये प्लस एक्स बाय ये दोनों ऐड करना है। अभी एक्स बाय ए प्लस सी बाय जेड को ऐड करेंगे तो ऐड करने ये इसका वैल्यू हो गया एक्स बाय ए का वैल्यू हो गया बी माइनस वाई प्लस सी बाय जेड का, सी बाय जेड का हो गया वाई माइनस बी और इधर में आ गया वाई माइनस बी एंड बी माइनस वाई, तो उसको भी हम सॉल्व कर सकता हो। कैसे कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, तो हमें जो b माइनस वाई है वाई माइनस बी है इस फॉर्म को हम सेम करेंगे, ये b माइनस वाई करेंगे दोनों फॉर्म में। तो दोनों फॉर्म में b माइनस वाई करने में क्या यूज करना है, b माइनस वाई उसको भी b माइनस वाई करेंगे। कैसे, इधर में प्लस लिखेंगे, ये जो माइनस b है माइनस पहले लिखेंगे माइनस b और प्लस y बाद में लिखेंगे, इधर में y रहेगा हो गया। तो b माइनस वाई, तो ये जो माइनस है इधर में प्लस ही लिखेंगे, ये जो माइनस है एक काम कर सकता हूँ y इस माइनस को हम ब्रैकेट के आगे में लिख लेंगे, तो ये तो माइनस है b इधर लिखूंगा ब्रैकेट उठाने से क्या होगा माइनस b, तो ये प्लस है, प्लस और माइनस का हम रूल जानता हूँ माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, ब्रैकेट का फ्रंट में माइनस रहने से ब्रैकेट का अंदर प्लस होगा, ब्रैकेट का बाहर में माइनस रहेगा तो अंदर का प्लस माइनस माइनस प्लस होगा, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे माइनस है उसका प्लस है तो माइनस देंगे तो वाई होगा, ये माइनस ऊपर में लेकर आऊंगा प्लस माइनस बी बाय बी माइनस वाई और ये प्लस इंटू माइनस क्या होगा माइनस होगा तो वाई बी माइनस वाई फॉर्म जो है सेम हो गया। तो एलसीएम लो सकता हूँ b माइनस वाई, तो इधर का एलसीएम b माइनस वाई, ये b माइनस वाई है ही डिनोमिनेटर तो ऊपर में b है और इधर में ही सेम है तो माइनस किया y है तो b माइनस वाई सेम है तो उसको उसको कैंसिल करने से आंसर क्या होगा वन। आप लोगों का समझ में आया है कि नहीं है कमेंट कीजिए, ये पार्ट को कुछ कंफ्यूजन है तो मेरे को कमेंट कीजिए। ये माइनस है माइनस सिन को ये बी माइनस बी को हम फ्रंट में लेकर आया हो और प्लस को इधर में ले गया हो, तो ये जो माइनस है इस माइनस को ब्रैकेट देकर लिख रहा हूँ, ये बी है ये बी ब्रैकेट उठाने से माइनस बी होगा, तो हम जानता हूँ कि ब्रैकेट का आगे में जो माइनस रहेगा प्लस टू माइनस लिखेंगे माइनस को प्लस लिखेंगे तो ये प्लस है माइनस लिख दिया तो ये माइनस जो है इसमें लिख दिया हो तो b माइनस वाई सेम हो गया एलसीएम, तो ऊपर में b माइनस वाई नीचे में b माइनस वाई। तो थैंक यू माय डियर पेरेंट्स माय डियर चिल्ड्रंस एंड माय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार बाय बाय टेक केयर।